तो स्वागत है आपका एग्जाम रूम में। यहाँ पे हम बात करते हैं इंडियन आर्मी की एसएससी के रिक्रूटमेंट के बारे में 2021 के। देखिए यहाँ पे जो हमारी इंडियन आर्मी है उन्होंने यहाँ पे अपना एक रिक्रूटमेंट निकाला है जो कि है आपका इंडियन आर्मी एसएससी का। तो यहाँ पे बात करते हैं इंडियन आर्मी के इस रिक्रूटमेंट के बारे में। देखिए आप इन्वाइट करे जाएंगे यहाँ पे एप्लीकेशन, और यहाँ पे है आपका शॉर्ट सर्विस कमीशन द्वारा मैन एंड वुमेन्स रेस्पेक्टिवली दोनों के लिए, यानी कि आदमी और औरतों के लिए दोनों के लिए ही यहाँ पे आपका मौका है इंडियन आर्मी को ज्वाइन करने का। सबसे बड़ी बात यहाँ पे आप जो भी हैं मेल फीमेल दोनों, यानी वो अनमैरिड होनी चाहिए, यानी कि आप अगर आवेदन करते हैं तो ये ज़रूर सुनिश्चित कर लें कि आप अनमैरिड हो, आप शादीशुदा ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपका इंजीनियरिंग ग्रेजुएट के लिए मौका है, तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके पास। और यहाँ पे जो वीडियो है डिफेंस पर्सनल की, वो जो कि आपके हार्डनेस में शॉर्ट सर्विस कमीशन में इंडियन आर्मी में वो भी इनवाइटेड है, ठीक है, जो वीडियो हो चुकी हैं। तो यहाँ पे हम बात करते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन यहाँ पे आपके 23 जून तक आप रहेंगे। हम इसके बारे में टोटल बात करते हैं इस रिक्रूटमेंट के बारे में। देखिए ऑर्गेनाइजेशन जो है हमारी इंडियन आर्मी है, भारतीय सेना, यहाँ पे एग्ज़ाम जो है आपका इंडियन आर्मी का एसएससी टेक्निकल का रिक्रूटमेंट है। यहाँ पे आपकी जो है 191 केवल 191 यहाँ पे केवल पद हैं, ठीक है, 191 यहाँ पे वैकेंसीज हैं, और ये एसएससी टेक्निकल की है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की। और यहाँ पे टेक्निकल जो है आपका मैन और वुमेन दोनों से ही मांगा गया है, तो लड़का लड़की दोनों अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है फ्रेंड्स। ध्यान रखिए आप लोग अनमैरिड होने चाहिए। यहाँ पे डिफेंस की ये जॉब रहेगी, 25 मई से आप आवेदन कर सकते हैं, 23 इसकी लास्ट डेट है, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका जो कोर्स है यहाँ पे अक्टूबर 2021 के लिए है। यहाँ पे हम आपको बता दें यहाँ पे आपका जो वेन्यू ऑफ कोर्स रहेगा यहाँ पे पूरा ये ऑफिसर की ट्रेनिंग अकेडमी में रहेगा, OTA, जो कि आपकी चेन्नई तमिलनाडु में है। और यहाँ पे आपको www.joinindianarmy.nic.in इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, आप लोग जाके इसको देख सकते हैं, ठीक है। इसके जो वैकेंसी के मैं बारे में बता देता हूँ, देखिए आपकी जो इसमें मेंस और वुमेंस की जो टेक की वैकेंसी है, तो हम इसमें बात करते हैं एसएससी जो टेक की वैकेंसी है यहाँ पे 57 मेंस की है, और 14 वैकेंसी जो है एसएससी जो CW की है वो 28 है आपकी, ये भी मेंस के लिए, और जो रिमेनिंग है वो आपकी वुमेंस के लिए। तो यहाँ पे जो है आपकी 57 वुमेंस के लिए हैं और 14 वैकेंसी फ्रॉम SSCW और 28 आपकी रिमेनिंग 2 आपकी वीटो के लिए है, डिफेंस पर्सनल ओनली, ठीक है फ्रेंड्स। और यहाँ पे आपका, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 175 वैकेंसी जो है SSC टैग 57 मैन की हैं, और जो 14 वैकेंसी है वो SSC टैग 28 वुमेंस की हैं। जो बची हुई है रिमेनिंग है वो आपकी जो है विडोज की हैं, जो कि आपके डिफेंस पर्सनल्स हैं। यहाँ पे हम बात करते हैं आपकी जो वैकेंसी है आपकी एसएससी टैग 57 जो है उसके बारे में बात करते हैं मेंस के लिए। तो यहाँ पे सिविल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी से मांगे गए हैं, यहाँ पे वैकेंसी इनकी 60 है, आर्किटेक्चर की 1 है, मैकेनिकल की 5 है, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स की आपकी 8 है, इलेक्ट्रॉनिक्स की आपकी 2 है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग MSc कंप्यूटर साइंस वालों के लिए 31 है, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए 12 है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन के लिए 5 है, टेलीकम्युनिकेशन के लिए 4 है, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के लिए 5 है, यानी सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए 3 है, यानी एरोनॉटिकल एरोस्पेस एवियोनिक्स के लिए आपकी 6 है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए आपकी 4 वैकेंसी। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग की बात करें तो यहाँ पे केवल 3 वैकेंसी है, प्रोडक्शन के लिए भी 3 ही है। तो यहाँ पे आपका जो इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग वाले हैं उनकी 6 वैकेंसी है, ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स की यहाँ पे केवल 3 वैकेंसीज है। तो यहाँ पे आप फाइबर ऑप्टिक्स की 2 है, बायोटेक्नोलॉजी की 1 है, बैलिस्टिक इंजीनियरिंग की 1 है, रबर टेक्नोलॉजी की 1 है, केमिकल इंजीनियरिंग की 1 है, वर्कशॉप टेक्नोलॉजी की 3 है, लेजर टेक्नोलॉजी की 2 है, ठीक है। तो 175 में टोटल वैकेंसी इस तरीके से आपकी हो गई है, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हम बात करते हैं जो वैकेंसी है एसएससी CW की टेक की 28 की, यहाँ पे देखिए सिविल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की 5 है, मैकेनिकल की 1 है, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स की आपकी 1 है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग कंप्यूटर टेक्नोलॉजी MSc कंप्यूटर साइंस वालों के लिए 4 वैकेंसी है, इन्फॉर्मेटिक टेक्नोलॉजी के लिए आपकी 2 है, एरोनॉटिकल और एरोस्पेस एवियोनिक्स के लिए 1 है, 14 वैकेंसी है। जो वैकेंसी है आपकी विडो हैं जो कि डिफेंस पर्सनल की हैं, यानी कि जो आपके जो डिफेंस फैमिली मेम्बर्स कोई विडो हैं उनकी ये है, और यहाँ पे उनकी SSCW टैग की 1 वैकेंसी, SSCW टैग नॉन टैग और नॉन UPSC की 2 वैकेंसी यहाँ पे टोटल हो जाएंगी। अगर हम बात करें आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, देखिए SSC जो टैग 57 मेंस हैं और SSC टैग जो 28 वुमेन एंट्री हैं, उनके लिए आपका जो कैंडिडेट के पास जो डिग्री होनी चाहिए सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, यानी BTEC वाली जो डिग्री होनी चाहिए आपकी, या BE की बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। तो सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रॉनिक एरोनॉटिक बैलिस्टिक एवियोनिक्स CS IT MSc कंप्यूटर साइंस इलेक्ट्रॉनिक टेलीकम्युनिकेशन, तो लगभग यहाँ पे सभी फील्ड के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, आप एलिजिबल होंगे। तो यहाँ पे अगर विडो जो डिफेंस मार्टियर हैं पर्सनल एंट्री से, तो उनके लिए
यहाँ पे जो है आपका ग्रेजुएशन मांगी गई है, नॉन टेक से सिंपली ग्रेजुएशन मांगी गई है। अगर साथ में अगर वो बी या बी टेक है तो वो टेक एप्लीकेंट के लिए भी अप्लाई कर सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं एसएससी टेक की 57 और एसएससी 28 वुमेन वाली की, तो यहाँ 20 से 27 साल तक एज मांगी गई है, ठीक है। कैंडिडेट जो होना चाहिए 1994 से लेकर 2001 तक होना चाहिए, 2001 तक। तो यहाँ पे आपका 1994 से लेकर 2001 तक आप बॉर्न हो, 1994 से लेकर 2001 तक आपकी जो होनी चाहिए डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए, इसके बीच होनी चाहिए, वरना इस ना इससे ज़्यादा ना इससे कम। अगर वीडियो डिफरेंस पर्सनल की बात करें, मैक्सिमम एज 35 रखी गई है, तो उनको काफ़ी अच्छा यहाँ पर सही दिया है उनकी एज के हिसाब से। ऑनलाइन एप्लीकेशन लिंक आपकी 23 जून से एक्टिव रहेगी, आप लोग चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम चेक करते हैं इसे, अभी ये मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा था, ज्वाइन इंडियन आर्मी, आपको पहले कैप्चा करना पड़ेगा। हम कैप्चा डालते हैं यहाँ पे, देखिए आप पहले हम कैप्चा देख लेते हैं, 3551219, ठीक है, ये इसका कैप्चा है। तो हम एंटर करेंगे वेबसाइट में, तो हम चले जाएंगे अपनी इंडियन आर्मी की वेबसाइट में, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे इंडियन आर्मी की वेबसाइट पे चले जाएंगे आप, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑफिसर सिलेक्शन, और यहाँ पे आपका जो भी रैली नोटिफिकेशन, तो यहाँ पे सब दे रखा। देखिए यहाँ पे आप सबसे नीचे आएंगे, यहाँ पे आप देखेंगे ऑफिसर एंट्री एप्लीकेंट ओपन, तो यहाँ से आप लोग अपना जो भी है नोटिफिकेशन यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं इस वेबसाइट से जाकर, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए यहाँ पे इस तरीके से, यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ, देखिए अपने आप ही PDF इसकी डाउनलोड हो जाएगी, नोटिफिकेशन अपने आप ही डाउनलोड होने लग जाएगा। तो आप लोग चेक कर सकते हैं यहाँ से सीधे जाकर, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, आवेदन करने के लिए आपको यही वेबसाइट यूज़ करनी पड़ेगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको कैसे अप्लाई करना, मैं पूरा इसके बारे में आपको बताऊंगा। देखिए सबसे पहले आपको इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन आपको क्या करना है, एप्लीकेशन फॉर्म भरने से पहले आपको सारी इंस्ट्रक्शंस अच्छी तरह पढ़ लेनी है। आपका रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा पहले आपको, और उसके बाद आपकी एलिजिबिलिटी, जॉब एलिजिबिलिटी आपको चेक करनी पड़ेगी, आप सही जानकारी दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, तब आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। और अगर आप नए यूज़र हैं तो आपको नया रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, नया विंडो टैब खोल कर। पहले आपने कभी रजिस्ट्रेशन कर रखा था तो वही आप यूज़ करेंगे, रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड। तो यहाँ पे अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ, फादर्स ने एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको भरना पड़ता है, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर आपको डालना पड़ता है, और ये सारी सुनिश्चित करने पड़ते हैं आपने जो भर रखा है वो सही है या नहीं, अपनी जानकारी दी है वो सही है या नहीं है। डिफ़ॉल्ट आपकी ईमेल आईडी को ही आपका यूज़र नेम बना दिया जाएगा, और आपका जो पासवर्ड होगा वो आपको खुद ही सेलेक्ट करना होता है। तो इफ़ यू आर एग्जिस्टिंग यूज़र ऑलरेडी रजिस्टर्ड, ये यहाँ पे दे रखा है, लॉगिन करना पड़ेगा आपको दोबारा, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से आप लॉगिन कर सकते हो। यहाँ पे आपकी इंडियन आर्मी की जो एसएससी की ट्रेनिंग रहेगी उसके बारे में आपको ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई में बताया जाएगा, और अकॉर्डिंग टू पोजीशन आपकी फाइनल जो मेरिट बनती है इंजीनियरिंग स्ट्रीम वाइज बनती है, तो उसमें अगर आपका होता है आप एलिजिबिलिटी का, तो ड्यूरेशन आपका 49 वीक का यहाँ पे आपकी ट्रेनिंग रहेगी 49 वीक की, और दे उनको फिर अलाउड किया जाएगा पेरेंट और गार्डियन के साथ। और यहाँ पे एक चीज़ उन्होंने सीधे तौर पे बताई कि आप शादीशुदा बिल्कुल ना हो। तो यहाँ पे कैंडिडेट मस्ट नॉट मैरी अनटिल दे कंप्लीट द फुल ट्रेनिंग, तो आप जो ट्रेनिंग है उसके बीच भी आप शादी नहीं कर सकते, ये आपको ध्यान रखना है। और अगर कैंडिडेट शादी करता है ट्रेनिंग के दौरान, तो उसे तभी ही उसे बर्खास्त कर दिया जाएगा, डिस्चार्ज कर दिया जाएगा, ये और उनके सारे जो होंगे एक्सपेंडिचर भी उनको हो सकता है ना दिए जाएँ, ठीक है। यहाँ पे दे रखा है वैसे विल बी लायबल टू रिफंड ऑल एक्सपेंड इनकर्ड ऑन हिम और बाय गवर्नमेंट, ये सब दे रखा है, यहाँ पे मिल जाना चाहिए, पर लेकिन आप अगर इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखें, ठीक है फ्रेंड्स।